आज हमने बनाई है टमाटर की भरवा सब्जी। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सब्जी बनाने के लिए हमने 7 टमाटर लिए हैं, इनको अच्छे से धुल लिया है और हमने उबले हुए 8 आलू लिए हैं मीडियम साइज के। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, कुछ बड़े कटे हुए प्याज हैं और कुछ छोटे कटे हुए प्याज हैं, हरी मिर्च है, तेज पत्ता है और धनिया पत्ता है, प्याज व लहसुन का पेस्ट है। अब हम टमाटर को काटेंगे, आगे की साइड से नहीं काटेंगे, पीछे की साइड से हम काटेंगे। चाकू की मदद से इसे गोल काटना है हमें और आराम से काटेंगे, पूरी तरह हमको नहीं काटना है, इसको चाकू की मदद से ही काटना है। हमें इसे चम्मच की मदद से अंदर के सारे बीज को निकाल लेना है और गूदे को चम्मच की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाते हैं, चाकू से निकालने में थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए चम्मच से निकालें। देखिए हमने निकाल लिए हैं। अब उबले हुए आलू को हम मैश करेंगे, इनको मैश कर लेंगे। हमने कढ़ाई रखी है, गर्म हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल, तेल हमारा गर्म हो चुका है, डालेंगे साबुत जीरा 1/2 चम्मच, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हम बड़े कटे हुए प्याज डालेंगे, इन्हें फ्राई कर लेंगे, इन्हें ज़्यादा लाल फ्राई नहीं करना है। हमारे प्याज लाल हो चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे मैश किए हुए आलू, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, इसमें हम 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, धनिया पत्ता। अब इन्हें अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारा आलू फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे और इसे टमाटर में चम्मच की मदद से भरेंगे भरवल। ये हमने भर लिए, इसी तरह सारे टमाटर को हम भर लेंगे। ये हमने भर लिया है। अब उसके गूदे को हम मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड करेंगे। ये हमने ग्राइंड कर लिया है, हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे सरसों के तेल, तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, जीरा को हम तड़कने देंगे। इसमें डालेंगे 4 तेज पत्ते, जीरा हमारा तड़क चुका है। अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च हमारी फ्राई हो चुकी है, 1/2 पिंच हींग डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, कटे हुए बारीक प्याज, इन्हें हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारा प्याज फ्राई होता है तब तक हम मसालों को तैयार करेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच एवरेस्ट मीट मसाला। अब हमारा प्याज फ्राई हो चुका है, अब इन मसालों में थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे घोल बना के इसमें डाल देंगे और इनको हम भून लेंगे। मसालों को मीडियम फ्लेम पे भुनना है। इसी समय हम डालेंगे प्याज व लहसुन का पेस्ट, इन्हें भी अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। ये हमारा मसाला पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, टमाटर को भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए हम 1 बड़े चम्मच आलू को डालेंगे,
आलू को हम दबा के मैश कर लेंगे, जिससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और इसका स्वाद भी अच्छा आएगा। अब इन्हें भी भून लेंगे और इसी समय हम डालेंगे क्रश किए हुए कसूरी मेथी आधा चम्मच। इन्हें हम 5 मिनट के लिए भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें डालेंगे हम पानी। ग्रेवी को हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है, हम ढक कर पकाएंगे। ये हमारा उबाल आ चुका है, अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसमें हम डालेंगे टमाटर जो हमने भरे थे। अब इसमें हम डालेंगे हरा पत्ता धनिया। अब इसे हम ढक कर मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। हमारी सब्जी पक चुकी है, टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे।